गाइस, पीपल यू शुड नो अबाउट के थर्ड एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अवनी और आज हमारी चर्चा में है स्टीव जॉब्स, या मुझे शायद कहना चाहिए लेट स्टीव जॉब्स, जिन्हें हमने 2011 में पैनक्रियाटिक कैंसर को खो दिया था। एक ऐसे शख्स जिनके बारे में हम जानते तो हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में ऐसी ऐसी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कहानियां और कुछ ऐसे डार्क साइड्स भी छुपी हुई हैं जिनके बारे में हम अक्सर सुनते नहीं हैं या शायद जानते भी नहीं हैं। एक ऐसा इंसान जिसे उसकी खुद की ही कंपनी से सीईओ की पोजीशन से हटाकर बाहर फेंक दिया गया था, और जब उसने अपनी खुद की एक नई कंपनी शुरू करके अपनी पुरानी कंपनी को बताया था कि मुझसे बेहतर तुम्हारे लिए काम और कोई नहीं कर सकता, जब उन्हें बैक कर वापस बुलाया गया था। वो कंपनी है एप्पल और उनकी दूसरी कंपनी है नेक्स्ट, उसके बारे में भी हम अभी अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। अब एक बार उनकी फैक्ट शीट पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो स्टीव जॉब्स का जन्म हुआ था 24 फरवरी 1955 में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। अडॉप्टेड थे तो उस तरफ से थोड़ा सा मानसिक तनाव उन्हें मिलता था, क्योंकि पता चला कि मैं अडॉप्टेड हूँ वाली चीज़। उसके बाद उन्होंने अब कॉलेज रीड कॉलेज से किया था, जिसे उन्होंने बाद में ड्रॉप आउट कर लिया था। वो भी एक कॉलेज ड्रॉप आउट थे। हम उन्हें एप्पल के फाउंडर और सीईओ के नाम से जानते हैं, नेक्स्ट के फाउंडर और सीईओ हैं, पिक्सर के चेयरमैन हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, थे बिल्कुल अब वो हमारे साथ नहीं है, बट थे। वॉल्ट डिज्नी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक थे। और उसके बाद उन्होंने कहा है कई बार अपने स्टेटमेंट्स में कि एलएसडी और मैरिजुआना उन्होंने आज तक जो तीन सबसे ज़रूरी चीज़ें की हैं उनमें से एक वो दोनों हैं। तो उस वजह से काफ़ी इनफेमस हो रहे थे बीच में लोग। इन सब चीज़ों को जब उनकी बायोग्राफी में पढ़ते थे तो उन पर असर पड़ने लगा। वो इंडिया भी आए थे जैन बुद्धिज़्म सीखने के लिए, जिसके बाद एक बार उन्हें एकदम से कुछ रियलाइजेशन हुआ था एलएसडी पर ही कुछ, कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ रेवोल्यूशनाइजिंग करना है। ये उनकी जो उन पर जो मूवीज़ बनी हैं स्टीव जॉब्स 2013-2015 उनमें काफ़ी अच्छे से दर्शाया हुआ है किस तरह से उनके अंदर एक कीड़ा था कुछ नया करने का। और ये भी बताया गया है कि वो थोड़े से ह्यूमन कम्युनिकेशन को नहीं समझ पाते थे, यानी कि उनके लिए बिजनेस अलग था और रिलेशन अलग था। तो जब बिजनेस की बारी आती थी वो नहीं देखते थे कि सामने कौन है, शायद इसी वजह से वो इतने बड़े इन्वेंटर और बिजनेसमैन बन पाए। वो को क्रिएटर थे आईपैड, आईपॉड और जितने भी अमेजिंग डिवाइसेस और जितने भी एप्पल स्टोर्स हैं हमारे पास, वो सब क्रिएट करने का जील और आइडिया स्टीव जॉब्स का था। और वो डिज़ाइन पे काफ़ी फोकस करते थे। अगर कोई भी चीज़ उनके सामने है और वो अच्छी नहीं दिख रही है तो वो उन्हें बिल्कुल एक आई डोंट नो कुछ अनकंफर्टेबल फील कराती थी। शायद इसीलिए जब उन्होंने सबसे पहले एप्पल टू लॉन्च किया था तो उन्होंने डिज़ाइन पर फोकस करके ये कहते थे कि ये इतना बेकार क्यों दिख रहा है, ये कंप्यूटर है, व्हाई डज इट लुक सो बैड, ये और खूबसूरत तरीके से आप उसे ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर सकते हो। तो उस वक्त इन चीज़ों पर लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, पर इसीलिए शायद हमारे पास एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो पहले ऐसे प्रोडक्ट्स बने जो इतने सिंपल और इतना प्यारा और इतना खूबसूरत मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन हमारे सामने लेकर आए थे। एक काफ़ी दिलचस्प सी कहानी है इसको लेकर। जब एप्पल फाइनली आगे बढ़ने लगा था और लोग नोटिस करने लगे थे, जब पेप्सी कोला के चैलेंजेस उस एरा में जब एप्पल आगे बढ़ रहा था और पहली बार माइक्रो कंप्यूटर्स को लोग इतना सीरियसली लेने लगे थे, उनके आइडियाज़ हर जगह पहुँचे थे, हर कोई कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहा था, और बिल गेट्स वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट को बिल्ड कर रहे थे, तब की बात है जब एप्पल टू धूम मचा रहा था, बट स्टीव जॉब्स कुछ और नया करना चाहते थे और वो उस वक्त एप्पल के सीईओ थे। तो जब उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया लीसा, एक वर्ड फॉन्ट रिलेटेड एक कोई प्रोग्राम था जिसे वो बनाना चाहते थे, उनकी बात उनके कोवर्कर्स समझ नहीं पा रहे थे। और वो ऐसे इंसान थे जो तुम्हें आज तुम ऑफिस आए हो और दूसरे पल बोलेंगे यू आर फायर्ड, आज के बाद ऑफिस मत आना। तो उनके लिए अपना काम बहुत ज़रूरी था और वो ये इंटरपर्सनल कनेक्ट को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते थे बिजनेस के मामले में और काम के मामले में। तो जब ऐसा कुछ हुआ, जब लीसा उस तरह से नहीं बन रहा था जिस तरह से वो चाह रहे थे कि बने, तो उन्हें काफ़ी समय लग रहा था। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समझाते गए कि मैं चाहता हूँ कि कुछ अलग करूँ, मैं कुछ नया बनाना चाहता हूँ और इसे आप इस तरह से लॉन्च नहीं कर सकते।
तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनकी बात समझ नहीं रहे थे, वो उन्हें प्रेशराइज कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा, और धीरे धीरे करके उनकी पोजीशन उनसे छीनने की कोशिश की जा रही थी। वहीं पर वो एक मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग गाय लेकर आए थे जब उन्हें लीसा से हटाकर मैकिंटॉश प्रोजेक्ट दे दिया गया था, और वो वहाँ पर भी खूब पैसा लगा रहे थे, खूब रिसर्च कर रहे थे कि मुझे इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छा बनाना है। तब जब वो जो भी मार्केटिंग पर्सन जिनका नाम मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ वो आए, तो वो भी उनकी बात नहीं समझ पाए, और पेप्सी से उन्हें लेकर आए थे, एंड उन्होंने उस वक्त थोड़ा एप्पल को बचाने और सेल्फ वर्थ के लिए अपने आप को सीईओ अपॉइंट करने पर जाल खेलना चालू किया। और स्टीव जॉब्स का एक फेमस कोट है कि तुम्हें सही लोगों को हायर करना बहुत ज़रूरी है अपनी कंपनी में। तब उन्होंने ये कहा था कि हायरिंग यू मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक है। तब उन्हें एप्पल से सीईओ की पोजीशन से हटा दिया गया था, बेसिकली किसी ने उनसे वो पोजीशन छीन ली थी, चुपचाप निकल गए वो, और उन्होंने नेक्स्ट बनाया। नेक्स्ट एक कंप्यूटर प्लेटफॉर्म था, काफ़ी अलग अलग फीचर्स के साथ नेक्स्ट जो है आगे बढ़ा, और लोगों की नज़र में आने लगा। एप्पल की हालत बहुत ख़राब हो गई क्योंकि एप्पल टू ही था उनके पास, और बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू काफ़ी हल्ला बोल दिया था, और उन्होंने ऐसा कहा जाता है उनकी कुछ मूवीज़ में, और स्टीव जॉब्स ने भी बिलीव किया इस चीज़ को, दैट ही स्टोल, उन्होंने उनके कुछ आइडियाज़ चुरा लिए। बट हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, बट उन दोनों के बीच में राइवलरी काफ़ी पहले से चल रही है। तो बिल गेट्स भी कॉलेज ड्रॉपआउट थे उसी टाइम पे, स्टीव जॉब्स भी ऑलरेडी निकल चुके थे अपनी जर्नी पे। तो जब उन्होंने नेक्स्ट लॉन्च किया और वो हर तरफ धूम मचा रहा था, तो उन्हें जो नए सीईओ बनाए गए थे एप्पल के, उन्होंने आकर अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि वो उन्हें कंसल्ट करना चाहते हैं अपनी कंपनी को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि एप्पल को उनसे बेहतर और कोई नहीं समझता था। वो आए, वो अपनी टीम से मिले, वही लोग जो उसके साथ पहले भी काम करते थे, उन्होंने अभी तक कंपनी छोड़ी नहीं थी, एंड उन्होंने उनसे पूछा क्यों, एंड उन्होंने कहा कि आपने जो हमें विजन बताया था कुछ चीज़ बेहतर बनाने का, कुछ नया करने का, एक सिंपलिस्टिक डिज़ाइन का, हम वो विजन अपने अंदर अभी भी रखते हैं एंड हम उसमें बिलीव करते हैं। धीरे धीरे करके स्टीव जॉब्स ने उन लोगों को एडवाइस करना चालू किया और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स हमारे सामने आते गए, और जैसे ही वो हुआ और एप्पल की सेल्स जो है वो आगे बढ़ी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो करंट सीईओ थे उन्हें हटाकर स्टीव जॉब्स को अपॉइंट किया, एंड स्टीव जॉब्स ने उसके बाद सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटा दिया एक्सेप्ट फॉर द वंस जिन्हें उन्हें लगा कि ये बिलीव करते हैं उनके विजन में। इनफैक्ट माइक, जिन्होंने उन्हें पहली अपॉर्चुनिटी दी थी और उन्हें काफ़ी साथ दिया था, उन्हें भी उन्होंने हटा दिया, और उसके बाद हमें मिली एप्पल इंक, जो कि एक रेवोल्यूशनरी कंपनी थी जिन्होंने माइक्रो कंप्यूटर्स, माइक्रो म्यूजिक प्लेयर यानी आईपॉड जैसे थॉट्स को रेवोल्यूशनाइज कर दिया और हमारी ज़िंदगी में उतारा। तो ये हैं स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स की और भी कई कहानियां हैं, लोग कहते हैं कि वो थोड़े आई डोंट नो शॉर्ट टेम्पर्ड थे, और भी बहुत कुछ है उनकी किताबों में। वॉल्टर आइसैक्सन ने उनकी जो किताब लिखी है स्टीव जॉब्स, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें रिवील की हैं, एज अ ह्यूमन उनको एक इंसान की तरह पोर्ट्रेट किया, ना कि एक एंटरप्रेन्योर या ग्रेट एप्पल के सीईओ की तरह। तो मैं चाहूँगी अगर आप और जानना चाहते हैं उनके बारे में, तो इन बुक्स को ज़रूर पढ़िए, मूवीज़ देखिए, काफ़ी बनी है उनके ऊपर। और जो भी हो, एप्पल के नाम से स्टीव जॉब्स का नाम हमेशा जुड़ा रहेगा, क्योंकि आई नो वो हमारे साथ अभी नहीं है, पर उन्होंने हमें एक ऐसी चीज़ दी है जो कि हम शायद दोबारा कभी नहीं बना पाए, उसके जैसी बना सकते हैं पर उसकी तरह शायद कुछ और अलग नहीं कर पाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और भी ऐसे बायोपिक्स और इंटरेस्टिंग लोगों के बारे में मैं आपको जानकारी देती रहूँगी और हम चर्चा करते रहेंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर जाकर नए वीडियोज़ चेकआउट कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।